अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कमाल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडो 5-in-1 फार्मूला का फुल रिव्यू, जो कि क्लेम करते हैं कि ये एक वाइटनिंग क्रीम है। अच्छा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इनर पैकिंग के बारे में, हाउ टू यूज़, डिफरेंस बिटवीन दोनों क्रीम्स के बीच में, जो भी यानी कि इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, यानी कि कैसे ये दोनों क्रीम्स मुख्तलिफ हैं, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, फुल जो है रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके जी, सबसे पहले आ जाती है पैकिंग। पैकिंग के हिसाब से ये एक फाइन कार्डबोर्ड में आती है, जैसे फेयर एंड लवली और दीगर पाकिस्तानी क्रीम्स जो हैं वो आती हैं। ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और आपको ऑनलाइन और लोकल शॉप्स पे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जी इसके अंदर आ जाती है इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन, यानी कि दोनों बॉक्सेस के अंदर सेम ही डिस्क्रिप्शन है, जो उसके खसूसियात बताई गई हैं वही सेम दोनों क्रीम्स की, जो खसूसियात और जो क्लेम्स हैं वो बिल्कुल सेम सेम ही हैं, एक जैसे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों क्रीम्स के जो है ना मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, यानी कि कोई भी खास डिफरेंस इन लोगों ने अभी तक यहाँ पर शो नहीं करा। ओके जी, आ जाती है, बात करते हैं पहले क्लेम की, जो कि है मेलानिन रिडक्शन, जो कि ब्लैक स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स का मुकम्मल खात्मा करती है। इसमें मल्टी विटामिन्स शामिल हैं जो कि आपकी स्किन को डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल से जो है ना मुकम्मल तौर पर निजात देते हैं। ओके जी, ब्राइडो वालों का दूसरा क्रीम है कि 12 घंटे तक यूवी प्रोटेक्शन देती है, मतलब सूरज की शुआओं से आपको प्रोटेक्शन देती है तकरीबन 12 घंटे तक। इसमें ट्रिपल सनस्क्रीन शामिल है जो स्किन को झुर्रियों से महफूज रखती है, हमेशा जवान रखती है। अच्छा, ब्राइडो वाले जो है थर्ड क्लेम में कहते हैं कि इसके फार्मूले में शामिल है आयल कंट्रोल और एंटी एक्नी की खूबियां। आयली जल्द का ट्रीटमेंट करके चेहरे को रखे आयल की चेहरे में जो आयल की मिकदार होती है उसको कंट्रोल रखती है, ताकि आपको मिले ब्लैक हेड से मुकम्मल तहफ़ और आप पाएं क्लीन एंड क्लियर स्किन, यानी कि ऑयल कंट्रोल है और एंटी एक्नी भी है। अच्छा जी, ब्राइडो वालों के चौथे क्लेम के मुताबिक ये स्किन को जो है ना मॉइस्चराइजिंग करता है, बैलेंस मॉइस्चराइजिंग। इसमें एलोवेरा शामिल है जो कि स्किन के रुखेपन को दूर करती है और स्किन को जो है ना पूरा दिन मॉइस्चराइज रखती है। अच्छा जी, ब्राइडो वाले कहते हैं कि स्किन को ग्लो देती है नंबर 5 पे और पॉलिशिंग करती है। इसमें शामिल है मिल्क प्रोटीन, ग्लो एंड पॉलिशिंग की इजाफी खूबियां, जो कि आपके हुस्न को निखारें, सवारें और खूबसूरत बनाएं, और आपका जो चमकता हुआ चेहरा जो होगा आपकी पहचान बनेगा। मतलब कि 5 मसाइल का एक ही हल है ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम। ये सारे इनके जो है ना क्लेम्स हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मुख्तलिफ क्रीम्स यूज़ करके आपको कोई भी नया फार्मूला क्रीम बनाने की जरूरत नहीं है, एक क्रीम काफ़ी है। बात की जाए प्राइस की तो पाकिस्तानी पैसों में इसकी कीमत 100 रुपये है। दोनों पैक्स की कीमत जो है ना 100 रुपये की है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी कीमत 100 रुपये की है। अब अगर बात की जाए इसकी इनर पैकिंग की, तो दोनों क्रीम्स जो है ना प्लास्टिक की पैकिंग में है, मतलब कि कोई खास इतना फ़र्क नहीं है उसकी पैकिंग और उसकी दोनों की पैकिंग जो है। केप उतारेंगे तो अंदर से इस तरह के स्टॉपर्स लगे हुए होंगे, जो कि आजकल हर क्रीम में लगे हुए हैं। अच्छा, अगर इनकी साइज़ की बात की जाए तो एक जो है 27 ml की है और एक 35 ml की है, यानी कि ये वाली जो ब्राइडो है वो 35 ml की है और ये वाली ब्राइडो जो है वो 27 ml की है। इसका मतलब जो पहले वाली आई थी ब्राइडो वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये जो दूसरी वाली है वो कम क्वांटिटी में है, और वो जो है ना थोड़ी सी ट्यूब इसकी लंबी भी है। अच्छा जी, बात की जाए टेक्सचर की, तो दोनों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि थोड़ा सा सिल्की फॉर्म में जो क्रीम होती है ना बिल्कुल उसी तरीके का इनका टेक्सचर ही आप देखें, जो लाइंस वगैरह होती है ना वो भी नज़र आती हैं। सिर्फ इसकी नहीं, जो दूसरी वाली जो ब्राइडो इम्प्रूव पैकिंग में आई है वो भी दोनों की जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि स्किन में जज्ब होने वाला है। बाकी ओवरऑल और कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा टेक्स्चर में। बात करें फ्रेगनेंस की, तो दोनों की जो फ्रेगनेंस है, अगर मैं इम्प्रूव ब्राइडो की वाइटनिंग क्रीम की फ्रेगनेंस की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली जो होती है ना फ्रेगनेंस उसकी है, और अगर बात करूँ वो पुरानी वाली ब्राइडो की तो उसकी फ्रेगनेंस जैसे हम मिक्स फार्मूला क्रीम होती है ना उनकी फ्रेगनेंस जैसी है। यानी कि मुझे इतनी ख़ास समझ नहीं आती कि क्रीम्स की इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस, यानी कि मुझे नहीं समझ आई इनकी फ्रेगनेंस जो है ना वो मुझे काफ़ी, जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस होती है ना वैसे लगी, पूरी जज्ब हो जाती है, लेकिन फ्रेगनेंस जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाली ब्राइडो की और उसकी इतनी नहीं। अच्छा, ब्राइडो वालों के हिसाब से ये क्रीम जो है ना वो मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन को भी इस्तेमाल की जा सकती है और रात को भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डे क्रीम भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करूँ मैं अपनी ओपिनियन की, तो मैं इस क्रीम को एज अ डे क्रीम यूज़ करती हूँ और मेरी ब्राइडो बहुत वक्त पहले जो है ना इस्तेमाल की हुई है। फौरी तौर पे जो भी आपकी स्किन में ऑयल वगैरह आता है ये क्रीम फौरी तौर पे जज्ब कर लेती है, वाइटनिंग इफेक्ट्स भी देती है, लेकिन इसको अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करें यानी कि साल दो साल, तो फिर जाके आपकी जो स्किन के साथ जो है ना
ये सेट होती है। हम पार्लर में होते थे तो इस क्रीम को जो है ना फार्मूला क्रीम में भी हम ऐड करते थे। और मेरे हिसाब से पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, 100 रुपये में बहुत अच्छी है, इम्प्रूव पैकिंग में आई है, मर्द हजरात के लिए भी बहुत अच्छी है, फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको आपको एज अ डे क्रीम ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर लें। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।